मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और पिछले कई दिनों से एक डिमांड थी कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का एक एक्सक्लूसिव वीडियो होना चाहिए। तो ये वाला वीडियो जो है वो एक्सक्लूसिवली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को ही डिवोटेड है। इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर ही डिस्कशन है। अगर आपके पास बहुत कम समय होगा और आप रिवाइज करना चाहते होंगे कि डिटर्मिनेंट को एक बार रीब्रश करना चाहते होंगे, तो रीब्रश करने के लिए आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ समझ लें कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि अगर एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम, अगर कोई भी रो और कॉलम्स इज कंप्लीटली जीरो, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो हो, तो वैल्यू क्या होगी उसकी? कंप्लीटली जीरो या लिख देता हूं मैं, कंप्लीटली जीरो हो सकता है, वहां दिख नहीं रहा हो आपको, कंप्लीटली जीरो। अगर वो जीरो हो तो वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की? जीरो होगी। देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होना है। अब दूसरी बात थी कि कोई भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तो बहुत बेसिक बात है कि एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट कैन बी इवैल्यूएटेड या कैन बी एक्सपांडेड अलोंग एनी ऑफ द रोज और कॉलम्स। किसी भी रो से कर दें या किसी भी कॉलम से कर दें, बट नॉट डायगोनली नहीं कर सकते, बट नॉट डायगोनली। इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। बट नॉट डायगोनली, बच्चे ये सोचते हैं कि किसकी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, जीरो वन माइनस वन जीरो। आप देखो इसकी वैल्यू कहाँ जीरो हो रही है, क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये माइनस वन, तो ये जीरो प्लस वन हो जाएगा। लेकिन एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऐसा होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो सी, यहाँ पे लिख दें बी माइनस सी जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू जीरो ही होती है। तो बच्चे सोचते होंगे कि इसकी वैल्यू डायगोनल में सब जीरो होने के कारण जीरो होती है। नहीं, इट इज़ नॉट द फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। अगर ये फैक्ट होता तो फिर इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होता? इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो हो गया होता। तो आपने देखा कि पहली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट को कि अगर पूरी रो जीरो हो या एक कोई पूरा कॉलम जीरो हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। और दूसरी बात है कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर देंगे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट में ध्यान दें कि डिटर्मिनेंट में, यही सेकंड प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन है कि डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश ट्रांसपोज को आप ऐसे लिखते हैं, तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कैसी है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हैं आपके या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, इफ टू और मोर रोज
और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर वो एक जैसे हो तो आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। एक एग्जांपल भी आपको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 यहाँ भी आप ले लें 1 2 3 2 1 4, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0। फिर ऑपरेशन की जो फ्रीडम है, वो जो ऑपरेशन की फ्रीडम है वो यहाँ पर लिख लेते हैं आप, कि रो नंबर आई में किसी भी रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा एक से ज़्यादा रो भी ले सकते हैं। ऐसा ही ऑपरेशन किस में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। एक या ज़्यादा से कॉलम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको केवल एक रो के लिए दूसरी रो की ज़रूरत हो, एक रो और ले सकते हैं, तो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या नहीं होती है, तो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होती है। तो ये अगली प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू रो ऑपरेशन लगाने से या कॉलम ऑपरेशन लगाने से या दोनों भी साथ साथ लगाए जा सकते हैं। ये भी बात याद रखें कि दोनों ऑपरेशंस को भी आप साथ साथ लगा सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जांपल्स काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं और एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 का जो वीडियो है उसको पूरा ठीक से देख लें। अब अगली चीज़ है कि कॉमन कैसे लेना है आपको, तो कॉमन लेने का भी एक तरीका है कि अगर लैम्डा, मैंने उसमें भी लिखा है पिछले वीडियो में भी देख लें आप, और अगर आपने पिछला देखा हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉमन लेना है आपको, तो कॉमन कैसे लेंगे आप, इससे एक रो में से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा इसमें लैम्डा कॉमन आ जाएगा पहली वाली रो से, अगर आप दूसरी रो से निकालना चाहते हैं तो म्यू कॉमन आ जाएगा, तीसरी रो से कॉमन निकालना चाहते हैं तो न्यू कॉमन आ जाएगा, लैम्डा म्यू न्यू तीनों से कॉमन आ जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अगर आपके पास सब लैम्डा हो, इधर भी लैम्डा, तो तीन लैम्डा, लैम्डा क्यूब आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, तो उसमें कितनी रोज होंगी, 1 2 3 ऐसी n रोज होंगी, अगर लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा सारी रोज में मल्टीप्लाई होगा, पर कॉमन कितनी में से निकलेगा, जब कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा n टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a n बाई n। इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a एक 3x3 का मैट्रिक्स है, a किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर इसमें 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितने 2 बाहर निकलेंगे अपने, फिर 2 3 निकलेंगे, क्योंकि इसमें 3 रो होंगी या 3 कॉलम, तो 3 से निकलेगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी का ऐसा हो कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स आई जिसका ऑर्डर 4x4 का है, तो अगर आई का ऑर्डर 4x4 का है तो 4 रो होंगी, 4 रो में से 3 बाहर निकलेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 to the power 4 डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और याद रखो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, ये भी आप याद रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, 1, किसी भी ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होगा, 1 होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो आपने समझी। अब हम 6th प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप धीरे धीरे समझें और एक बार इसको देख लें, और अगर आपको
रिवाइज करना हो तो ऐसे क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। कभी भी जब भी आपके एग्ज़ाम हो एक बार इसको देख के जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ रो वन है, यहाँ पे रो टू है, यहाँ पर रो थ्री है, एंड सो ऑन, और आगे भी हो सकती है। हमने 3x3 का लिया, तो जब मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज करता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव रोज को, ऐसा नहीं R1 से R3, कॉन्जिक्यूटिव रोज को, तो बाहर एक माइनस लग जाता है, तो R2 ऊपर आ जाती है, R1 नीचे, R3 और नीचे। अब अगर आप R1 और R3 को इंटरचेंज करते हो तो फिर बाहर एक माइनस लग जाता है, तो ये माइनस से माइनस क्या बन जाता है, प्लस। R2 अपनी जगह में, R3 ऊपर आ जाएगी, R1 नीचे आ जाएगी। ये आप जो काम रो में किया है सेम टू सेम डिट्टो कॉलम में भी हो सकता है, पर आपको चेंज कॉन्जिक्यूटिव को ही करना है। तो कॉलम में कैसे करेंगे, कॉलम का भी मैं आपको एक इस तरीके का इस वो इमेज बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और एक एक करके आप करें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पहले से तीसरे को करें, कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स को। तो अगर मैंने कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से इंटरचेंज किया तो मेरे पास यहाँ माइनस आ जाएगा C1, यहाँ C3 आ जाएगा और यहाँ पर C2 आ जाएगा। अब आप और चाहें जितना चाहें उतना चेंज करें, एक एक करके धीरे धीरे करके आप चेंज करते जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या आएगा। अगर आप इन दोनों को चेंज करते हैं तो फिर ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर आगे आप अपने इस हिसाब से एडजस्ट करते रहे अकॉर्डिंगली। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब मैं अगली प्रॉपर्टी आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुन लें, वो भी शानदार प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी शानदार है, इसमें आपने महसूस कर लिया होगा। और आपको एक वीडियो एक्सक्लूसिवली जो प्रॉपर्टीज़ को ही डेडिकेटेड है, आपको ये वीडियो कभी भी आप देखते रहें, 2 बार 3 बार कभी भी देख लें, और बार बार भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने एक बार अभी देख ली, एक बार आपने 24 घंटे के बाद देख ली, एक आपने एक वीक में देख ली लास्ट वीकेंड पे, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप तो महीने में एक बार भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एग्जामिनेशन के टाइम में आप इसको रिवाइज कर लें। तो एट अ ग्लांस ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको रेडी रेकनर हो जाएगा। और एक बार आपने देख ली तो एक बार जैसे ही आप देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। और अगर आप नोट कर सकते हो तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि एट अ ग्लांस अगर आपने उसको देख ली, एक झलक उसकी देख ली, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस लैम्डा b, b प्लस यहाँ b बदल देते हैं हम, x प्लस लैम्डा y, यहाँ पर ले लेते हैं p प्लस लैम्डा q, और यहाँ कुछ और है मान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक, यहाँ पर ले समझ लें आप लिखा हुआ है सी डी ई एफ जी एच, जी है ये। अब आप इसको स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने का नियम ऐसा होगा इसका कि फर्स्ट जो है ये स्प्लिट होगी, इसमें ए सी एफ आ जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, किसके साथ वाला, उसके साथ वाला, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स डी जी, यहाँ पर हो जाएगा पी ई एच, मैं और आपसे डिस्कस कर लूँगा, और ये पूरा अलग हो जाएगा लैम्डा के साथ वाला अलग। और लैम्डा चाहें तो आप कॉमन भी ले लेंगे, तो लैम्डा कॉमन लेना हो तो लैम्डा बाद में कॉमन ले लें, ये बिल्कुल अलग हो गया। एफ जी एच मैं ये इसलिए आपको बता रहा था, ऐसा जैसे हमने इसमें अलग किया, अगर मान लीजिए यही चीज
ये चीज़ यहाँ ना हो करके यहाँ होती तो वो वहाँ भी अलग हो जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का नियम है। लैम्डा आप कॉमन ले लें, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से लैम्डा हट जाएगा, तो ये लैम्डा लैम्डा ये भी हट जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी इसी प्रॉपर्टी को मैं और ठीक से समझाता हूँ आपको कि कब क्या होगा। आइए अपन देखते हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी लिखा है, यहाँ पर लिखा है डी ई एफ जी एच आई लिखा है, और यहाँ पर लिखा है मान लीजिए यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड लिखा है, तो आप इस वाले रो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब ए बी सी कॉमन रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा आपका जी एच आई आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ऐसे ही रो नंबर तीन में भी कर सकते हैं और सेम टू सेम हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर कॉलम में ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर, और यहाँ पे लिखा है आपका मान लीजिए यहाँ लिखा है डी एफ जी एच आई, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच आई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, अगर प्लस है तो, और अगर माइनस है, अगर माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। पी क्यू आर डी एफ जी एच आई, ये सेपरेट हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस किए बिना इस प्रॉपर्टी को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तो वो मैं क्वेश्चन आपसे एक बार शेयर करता हूँ। देखिए वो क्वेश्चन किस तरह से है। एक वो क्वेश्चन है ए प्लस बी, हम अगले वीडियो में इसका प्रूफ भी देखेंगे, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी। आप इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसा हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसा ले लें, कैसा ए बी सी इसमें ले लिए, बी सी ए इसमें ले लिए, सी ए बी इसमें ले ली प्लस, इसका वैल्यू क्या होगा वो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो हम प्रूव दैट वाले हैं वो करेंगे। अभी केवल मैं इस पर आपको प्रॉपर्टीज पर ही चाह रहा हूँ कि आप फोकस करें। आप सोच रहे हैं कि इन दो पार्ट में जैसे मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, ये दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट, और ये ऐसे नहीं सेपरेट होगा। ये जब सेपरेट होगा, मान लीजिए ये वाली को आप तोड़ते हैं इस वाले को, तो आपका इतना इतना साथ में रहेगा, कितना कितना, ये इसके भी साथ रहेगा, और ये जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो उसके भी साथ रहेगा। इसी तरीके से ये भी होगा, ये पहले वाले में भी आएगा और आपके दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे। दोनों डिटरमिनेंट में ये वाली कॉलम रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, और जो दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा उसका कॉलम ये रहेगा, उसका कॉलम ये रहेगा। और फिर क्या होगा, फिर आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर इसको तोड़ सकते हो, तो उसमें ये चीज एक साथ रहेगी, ये तीनों में एक साथ रहेगी, फिर आप आखिरी वाले को तोड़ सकते हो। तो अगर आप इसको ब्रेक 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 करना चाहते हो तो आप समझ गए होंगे कि आपको छह ऐसे डिटरमिनेंट्स बनेंगे। तो इसके लिए हम इनकी इस क्वेश्चन को करने के इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, सात प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, वी हैव डिस्कस्ड सेवन प्रॉपर्टीज़, और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिक लेवल से एक एक्सट्रीम लेवल तक की डिस्कशन की, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई, आपके दिमाग में बैठ भी गई होंगी। फिर भी आप जैसा मैंने आपका प्रोसीजर बताया रिवाइज करने का, एक बार 24 आवर्स के बाद कर लें, फिर 24 आवर्स के बाद एक बार वन वीक के बाद कर लें, और वन वीक या वीकेंड में कर लें, और एक बार आप
इसको जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप करते जाएं, और क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो चैनल अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, दोस्तों तक, सारे दोस्तों तक, पूरे हिंदुस्तान में सबके पास ये बात पहुंचा दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका केवल एक ही काम है छोटा सा जो आपको एक्स्ट्रा करना है, जो मैं कहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, बाकी सारे काम तो चलते ही रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।